इधर सुपौल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता पुत्र और मां तीनों एक बाइक से जा रहे थे, इसी दौरान स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1000 रुपये निकाल के आ रहा था रास्ते में, तो स्कॉर्पियो वाले ने ठोक दिया था। भाई गाड़ी चला रहा था, हमसे जेठ है, वो जा रहा था, वो मुझा जा रहा था, मुझा जा रहा था, घरों पे जा रहा था। फिर रास्ते में पता चल गया, दो तीन आदमी फ़ोन किया हमको, हमने यहाँ लगवाया, तो ये पुलिस वाले गए यहाँ से थाने से, तो जो है उठा कर लाया इस लोग, दो आदमी डेड कर दिया, मेरा भाई और पापा, माँ अभी जिंदा है। तो सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, बाइक पर सवार महिला को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपौल का यह मामला, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु गुप्ता जुड़े हुए हैं। विष्णु, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई है, मां की हालत गंभीर है, पूरी जानकारी चाहेंगे। बड़ा हादसा है, किशनपुर थाना क्षेत्र के खखई गांव के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें पिता और पुत्र की जो है दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो है महज 10,000 रुपए निकासी के लिए जो है पिता पुत्र और उसकी माँ जो बुजुर्ग महिला थी, वो जो है पास के ही जो है कदमपुरा हाल्ट के पास जो है एक CST में जो है रुपए निकालने के लिए सभी जा रहे थे। एक ही बाइक पर सवार होकर सभी तीन लोग जा रहे थे, और लौटते समय जो है काफी रात हो गई, देर रात के करीब जो है एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीनों लोगों को कुचल दिया, और मौके पर ही जो है पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं जख्मी महिला को जो है स्थानीय राहगीरों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत जब गंभीर हो गई उसके बाद जो है उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें एडमिट किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जी दीपक, इन तमाम जानकारियों के लिए विष्णु। तो महिला को बेहतर इलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।